सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश, नॉलेज इज पावर से, और आज मैं आपको बताऊंगा 15,000 से नीचे आप कौन कौन से फ़ोन खरीद सकते हैं। अच्छे फ़ोन हैं, किसी में कोई प्रोज होता है, किसी में कोई कौन सा होता है, मतलब कोई भी फ़ोन अभी तक कोई चीज़ परफेक्ट तो है नहीं, कोई ना कोई कमी तो रही जाती है, लेकिन फिर भी मैं अपने अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से फ़ोन आप परचेज कर सकते हैं 15,000 के नीचे। सबसे पहला फोन आता है जी लेनोवो का Z2 Plus, 3GB 32GB 4GB 64GB में ये दो वर्जन आते हैं, लेकिन फोन में 5 इंच की स्क्रीन, फुल HD स्क्रीन मिलेगी आपको। सबसे बड़ा प्रोज है इसका जी स्नैपड्रैगन का 820 प्रोसेसर, जो आपको अंडर 15,000 किसी भी फोन में नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मिल रहा है आपको। स्नैपड्रैगन का 820 प्रोसेसर है, बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, कैमरा भी अच्छा है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। ये मेरी लिस्ट में नंबर 1 के पायदान पर है, लेनोवो का Z2 Plus। दूसरे नंबर पर है जी शाओमी का Redmi Note 4, 3GB 32GB 4GB 64GB में आता है ये, और 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन है, 13 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल का कैमरा, 4000 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर है, NVU 510 GPU है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसर भी ठीक है, और स्क्रीन भी फुल HD दे रहा है, बैटरी बैकअप भी 4000 mAh की है, अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। 13,000 रुपये का आता है 4GB 64GB वाला, और 11,000 रुपये का आता है 3GB 32GB वाला। सस्ता फ़ोन है थोड़ा सा कंपेयरिंग टू लेनोवो का Z2 Plus, आप जा सकते हैं इसके लिए भी, ये मेरे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आता है मोटो का G5 Plus, इसका सबसे बड़ा प्रोज है कि 15,000 से नीचे इसमें आपको एंड्रॉयड नौगट मिल जाएगा 7.0, फुल HD स्क्रीन, 5.2 इंच की स्क्रीन है, स्क्रीन थोड़ी छोटी है लेकिन ठीक है, स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर है, 12 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल का इसमें आपको कैमरा मिल जाएगा, कैमरा थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है इसमें, और 3000 mAh की इसमें बैटरी मिल जाएगी आपको। ठीक है फ़ोन, अच्छा है नॉर्मल यूज के लिए, हैवी यूज के लिए, आप गेम्स वगैरह खेलना चाहें या आपको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए मूवीज वगैरह देखने के, गेम्स वगैरह खेलने के लिए, तो ये आपके लिए नहीं है फ़ोन, तो फिर आप शाओमी का रेडमी नोट 4 के लिए जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। चौथे नंबर पर आता है ऑनर का 6X, 3GB 32GB 4GB 64GB में दो वर्जन आते हैं इसके, डुअल कैमरा है जी, डुअल कैमरा है, 12 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है आपको, 3340 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको इसमें, किरिन का 655 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है आपको इसमें, और फ़ोन अच्छा है, 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन दे रहा है, डुअल कैमरा दे रहा है, 3340 mAh की बैटरी दे रहा है, ठीक है फ़ोन, 15,000 के करीब आ जाता है, 15,000 से अंडर 15,000 तो है ही है, अमेजोन से आप परचेज कर सकते हैं इसे, अच्छा फ़ोन है लेकिन हमारी लिस्ट में चौथे पायदान पर है। पाँचवें नंबर पर आता है जी लेनोवो का P2, जिनको बड़ी चाहिए ना, बड़ी बैटरी उनके लिए फ़ोन है, 5100 mAh की बैटरी है, 5100 mAh की, 5.5 इंच की स्क्रीन, फुल HD स्क्रीन है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट, 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा उसमें डुअल LED फ्लैश है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, 5100 mAh की बैटरी दे रहा है आपको, स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर है। आप अगर बैटरी के लिए चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस फ़ोन के लिए जाएँ, अदरवाइज आप टॉप 5 फ़ोन मैंने आपको बता दिया अंडर 15,000, सभी अपने आप में एक खासियत है, किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है जी, तो आप सजेशन देख लीजिए आपको किस चीज़ रिक्वायरमेंट के लिए फ़ोन चाहिए, अगर कैमरे के फ़ोन चाहिए तो आप मोटो G5 Plus, शाओमी का Redmi Note 4 जा सकते हैं, प्रोसेसिंग अच्छी चाहिए, पावर होनी चाहिए, अच्छा खासा फ़ोन होना चाहिए, कैमरा भी ठीक ठाक होना चाहिए, तो लेनोवो का Z2 Plus के लिए चले जाइए, प्रोसेसर उसमें बहुत तगड़ा मिलेगा आपको, गेम्स वगैरह खेल सकते हैं आप इजीली, बहुत अच्छा फ़ोन है, और अगर आपको बैटरी लेनोवो का P2, तो ये मेरे टॉप 5 फोन से अंडर 15,000। ऐसी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और बगल में बेल आइकन है वो तो ज़रूर दबाइए। शुक्रिया, वंदे मातरम, जय हिंद।